मूवी की स्टार्टिंग में इथन अपने वाइफ सॉफ्टी उसके साथ बिताए हुए हर एक लम्हों के बारे में बात कर रहा था। एक दूसरे के साथ उन्होंने मिलकर कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उनके बेस्ट मोमेंट्स को याद करता है। इसी के साथ प्लानिंग कर रहा था कि उन्हीं लम्हों को फिर से उसके साथ जी सकता है। दोनों फिर भूल में थे, दोनों एक दूसरे को मैरिज एनिवर्सरी के लिए बधाई दे रहे थे। सारे बातों के बीच इथन बताता है कि फिर से उस पूल में मैं नहीं जा सकता। सॉफी को भी ये बात उतनी ज्यादा जरूरी नहीं लगती। थेरेपिस्ट उन दोनों को सेम टाइम पर पियानो की बजाने के लिए कहता है। यहाँ थेरेपिस्ट के सामने भी उन दोनों के बीच में टकराव चल रही थी। थेरेपिस्ट उन्हें सजेस्ट करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ पर जाकर तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, शायद इससे तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। वहाँ जाकर इथन और सॉफी को जगह बहुत अच्छी लगती है। इथन को एक घर भी दिखता है जहाँ पर एक स्टूडियो का सेटअप किया हुआ था। बाद में एक जगह उस लोकेशन के बारे में दूसरे लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे, इसके बारे में उन्हें पता चलता है। वो खुश हो जाता है कि उनके रिश्ते में फिर से वही खुशी वापस आ जाएगी। सॉफी को वहाँ पर एक डॉल मिलती है जिसके अंदर और एक डॉल थी। तभी वहाँ पर एक चीज नीचे गिर जाती है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर एक दूसरा इंसान था, वो एक्चुअल में इथन नहीं था। रियल इथन को हम इथन वन कहेंगे। हम देखते हैं कि इथन वन और सॉफी ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फन गेम्स खेलते हैं। सॉफी घर में दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे इथन वन सोते हुए दिखता है। सॉफी को लगता है कि शायद कोई सीक्रेट पैसेज है जो इथन ने यूज किया होगा। वो पहले तो उसके साथ था, वो अभी अभी तो दोनों इंटीमेट हुए थे, और इतने में इथन वन यहाँ पर कैसे आ गया। वो इसके बारे में उसे बात करती है, पर एक्चुअल इथन वन ये बात समझ नहीं पाता। हम देखते हैं कि इथन वन इस बातों पर सोच रहा था और अपनी सिगरेट जलाता है। सुबह और बैठे हुए उसे नींद आने लगती है, वो वही पर सो जाता है। तभी एक दूसरी लेडी उसके पास आके, वो एक्चुअल में सॉफी की कार्बन कॉपी थी इसलिए हम उसे सॉफी 2 कहेंगे, उसके पास आकर उसे प्यार करती है। इथन वन अपने बुरे बर्ताव के लिए उसे माफी मांगता है। सुबह उठकर उसने देखा तो सॉफी 2 किचन में खाना बना रही थी। उसे कहता है कि बीती रात उसकी वजह से झगड़ा हो गया। उसे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जो भी कह रहा था ये ड्रिंक की वजह से सारी गलत बातें उसने कह दी। तो कहता है कि हमें ट्रिप बिगड़नी नहीं चाहिए। इस बात से सॉफी वन सहमत होती है। इथन वन को फिर से वही बात समझ में नहीं आती। वो समझ नहीं पाता कि क्या वो सब बातें सिर्फ मजाक थी या फिर बातों के बीच में उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था। सॉफी कहती कि थोड़ी सी बातें हमें हुई थी, लड़ाई के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। इस बात की वजह से इथन वन कंफ्यूज हो जाता है कि लड़ाई के बाद तुम तो चली गई थी, हम दोनों फिर इंटीमेट कब हुए थे। सॉफी 2 को लगता है कि ड्रिंक के नशे में इथन वन का हैंगओवर अभी नहीं हुआ है। उसे थोड़ा कुछ खाने के लिए कहती है। उसने कहा कि तुम्हारा पेट जरा भर जाएगा तो हैंगओवर चला जाएगा। ऐसा कहकर वो डिश में खाना देती है। खाना देखकर इथन जरा सरप्राइज्ड हो जाता है कि डिश में बेकन था। इथन वन का बेकन खाना सॉफी वन को पसंद नहीं था। बाद में इथन स्टेयर्स के से होते हुए कमरे में जाता है, उसे देख रहा था तो बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। उससे पूछती कि क्या हुआ, इसका वो कुछ भी जवाब नहीं देता। सॉफी वन को लेकर वहां से निकल जाने लगता है। सॉफी वन को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो कह रहा है। उसे जल्दी से किचन में लेकर आता है, पर वहां पर किचन में कोई भी प्लेट्स नजर नहीं आती। वो हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर चल कह रहा है। सॉफी वन भी कंफ्यूज हो रही थी कि ये चल कह रहा है, वो भी बार बार उससे पूछ रही थी। इथन वन उसे वहां के किचन से आ रही बेकन की खुशबू के बारे में कहता है। तो सॉफी वन इस बात को छोड़ देती है, वो वहां से चली जाती है और इथन वन उसे ढूंढता हुआ पीछे आता है। उसे बताता है कि मुझे पता है मेरा बर्ताव अजीब है, मगर यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, मैं इन्हीं सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इथन वन सॉफी वन को बताता है कि लास्ट नाइट हमने साथ में डिनर किया था, इसके बाद हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बाद में मैं सोफे पर जाकर सो गया। मुझे पता है कि तुमने मुझे जगाया था और बता रही थी कि हम दोनों इंटीमेट हुए थे, पर मैं सिर्फ सोफे पर सोया था। ये बात सिंपल है कि हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है, एक दूसरे के साथ जो हुआ ये हमें याद नहीं आ रहा। और फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए सॉफी वन जहाँ पर खड़ी थी वही पर खड़ा रहने के लिए उसे कहता है कि थोड़ी देर तक कहीं पर भी मत जाना। बाद में इथन वन उसी हाउस में जाता है, वहां पर उसने सॉफी 2 को देखा। वो बाथरूम में से झाँक कर अपना टॉवेल देने के लिए कह रही थी, वो फिर भाग कर बाहर आ जाता है। वो सॉफी वन को कहता है कि मैंने वहां पर तुम्हें बाथरूम में देखा, तुम शॉवर कर रही थी, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ में टॉवेल भी दिया। सॉफी वन कहती कि मैं पागल नहीं हूँ, इस तरीके से बातों से तुम मुझे अब डरा रहे हो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इथन ये सब कह क्या रहा है। इथन वन फिर उसे जल्दी से हाउस में जाने के लिए कहता है, उसने कहा कि अपना ध्यान रखना। सॉफी वन हाउस में जाती है और वहां पर उसे इथन 2 नजर आता है। वो वहां पर एक्सरसाइज कर रहा था, बाद में ज्यादा रोशनी की वजह से वहां के कर्टन्स को बंद कर देता है। बाद में उसने सॉफी वन को हक किया, अपने पसीने के लिए उसने सॉरी कहा। सॉफी वन सब कुछ देख रही थी, बाहर इथन वन से रहा नहीं जाता और वो हाउस में जाकर झांकने लगता है। सॉफी वन को उसने आवाज लगाई, उसे आंसर नहीं मिलता तो एक बड़ा पत्थर उठाकर फेंक देता है। सॉफी वन फिर उसे बाहर आकर सब कुछ बता देती है। यहाँ पर क्या हो रहा था इसके बारे में इथन वन को भी कुछ पता नहीं था। दोनों के अपने अपने ड्रीम पार्टनर यहाँ पर थे, उनमें जो खूबियां वो चाहते थे ये सब कुछ उनमें उन्हें मिल रही थी।
दोनों फिर जल्दी अपना सामान लेकर वहाँ से दूर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। सोफी वन बात कर रही थी, क्या हम कोई अलग डायमेंशन में आ गए, क्या हम किसी दूसरी दुनिया में है। इथोन बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे ओवरथिंकिंग के लिए मना करता है। सोफी वन बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि इसके बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पा रही थी। वो इथन वन से पूछती है तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। सोफी वन भी यही चाहती थी, वो अपनी अपनी खुशियों के साथ रहना चाहती थी, पर इथन वन को ये बहुत ही डेंजरस लग रहा था। सोफी कहती है कि इतना डेंजरस नहीं हो सकता। बाद में कार में दोनों बात कर रहे थे। इथन वन उससे पूछता है क्या तुम मेरे अलावा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। सोफी वन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि उस वक्त मैं इथन वन के साथ नहीं तो इथन टू के साथ हूँ, मैंने कभी भी जानबूझकर तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। इसके बाद वो दोनों फिर से हाउसेस में वापस जाने का प्लान करते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग इथन वन पहले हाउस में जाता है। वापस सोफी टू बात करते हुए आ रही थी, उसने काफी देर तक इथन वन के लिए बाहर वेट किया। वो उसे बेकन के बारे में पूछती है। इथन उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। सोफी टी इसके लिए हाँ कहती है। वो कहती है कि मेरे साथ आकर सोफे पर बैठो। उसे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। उसने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों इस हाउस में कब से रह रहे हैं। सोफी टू बताती है कि हम दोनों यहाँ पर कल से रह रहे हैं। इथन फिर उसे वॉक के लिए पूछता है। सोफी टू की आने की इच्छा नहीं थी पर फिर भी उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। इथन वन फिर खुद ही वॉक के लिए चला गया। वो फिर सोफी वन के पास आता है, सब कुछ उसे बता देता है। जिस तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन की उसी तरीके से सोफी वन को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। सोफी वन इसके लिए उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर ये सब डिसअपीयर हो गया तो मैं अपनी खुशियां नहीं मना पाऊंगी। इसके बाद सोफी वन और इथन वन साथ में मिलकर कुछ रूल्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि हम हाउस में हमारे पार्टनर्स के साथ तो रहेंगे पर कभी भी उनके साथ इंटीमेट नहीं होंगे, ज्यादा करीब नहीं आएंगे। सोफी वन कहती है कि कभी भी हम एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, एक दूसरे पर हमारा पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, एक थेरेपी की एक्सरसाइज की तरह होगा। इथन वन कहता है कि अगर इस सब चीजों से हमें अनकंफर्टेबल लगने लग जाए तो हम ये सब छोड़कर चले जाएंगे। वो इसके लिए एग्री करते हैं। रूल्स बनाने के बाद सोफी वन हाउस में जाती है। अंदर जाते ही उसे इथन टू दिखाई देता है। सोफी की वो पेंटिंग बना रहा था। दोनों इस पर बातें करते हैं। कोई ना कोई कभी ना कभी बहुत बुरा होता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। सोफी वन वहां से जाने लगती है तो इथन वन उसे रोक लेता है, पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है, कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। बाहर दूसरी तरफ इथन वन अपने फोन में 15 मिनट्स खत्म होने का वेट कर रहा था। उन्होंने डिसाइड किया था कि सोफी वन उसे 15 मिनट्स के बाद मिलने के लिए आएगी। 15 मिनट्स से ज्यादा हो गए थे और वो उसका वेट करते करते थक गया था। वो फिर हाउस की विंडो से देखने लग जाता है। वो देखता है कि इथन टू सोफी वन का मसाज अपने हाथों से कर रहा था। सोफी वन फिर तभी उठकर वहां से बाहर आने लगती है। उसने इथन वन को देखा था कि उसकी जासूसी कर रहा है, इस बात से वो गुस्सा हो गई थी। इथन वन कहता है कि 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे और यहाँ पर तुम मसाज क्यों ले रही थी, ये रूल्स के खिलाफ था। सोफी वन इस बात के लिए माफी मांगती है। वो फिर उसे दूसरी बातों के बारे में पूछता है। सोफी वन अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि इथन टू की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, अगर तुम्हें इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी दी जाए तुम जैसे बिहेव करोगे वैसे ही वो करता है। वो ये भी बताती है कि इथन टू के बाल कुछ अलग लग रहे हैं। इथन कहता है कि मुझे भी अपने बालों को लेकर कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रात को इथन वन कहता है कि उसे हाउस में जाना है, वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। सोफी वन भी उसे ऐसा करने के लिए मान जाती है। उसे आई लव यू कहकर हाउस में चला जाता है। अगले दिन सुबह इथन टू और सोफी वन दोस्त के साथ खेलते हुए दिखते हैं। उसके बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर भी इथन वन उनकी जासूसी कर रहा था। सोफी वन के बाहर आते ही दूसरे डोर से वो हाउस में घुस जाता है। कुछ ढूंढ रहा होता है तभी वहां पर सोफी टू आ जाती है। उसे वो आज के प्लान के बारे में बताने के लिए कहती है। इथन वन कहता है कि यहाँ आसपास की चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। सोफी टू को उसका फोन मिला था तो उसे वो वापस करती है। इथन वन ने लेकर वापस आ जाता है। सोफी वन जब हाउस में जाती है तो उसे पता चलता है कि इथन टू उसे स्टेज से ऊपर बुला रहा है। उसे अपने पास बिठा कर कुछ डिस्कस करने के लिए कहता है। वो दोनों दीवार पर एक गेम खेल रहे थे। इथन टू से पूछता है क्या मुझे किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सोफी वन कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। अगले सीन में सोफी वन और इथन वन अपने बेडरूम में थे। सोफी वन को किसी का टेक्स्ट आता है। इथन वन ने पूछा कि टेक्स्ट किसका है। सोफी वन उसे बता नहीं रही थी पर उसके चेहरे को देखकर वो गेस कर रहता है कि टेक्स्ट इथन टू का है। वो सरप्राइज था कि क्या इथन टू के पास भी मोबाइल है। सोफी वन इथन वन को पूछती है क्या तुमने मुझ पर कभी चीट किया है। इथन वन कहता है कि ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, पर अगर फिर भी तुम ऐसा समझती हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। नेक्स्ट सीन में इथन टू और सोफी वन मिलते हैं। इथन टू सोफी वन से पूछता है ये क्या कोई बात है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। सोफी वन इसके लिए मना करती है। उसे कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है। इथन टू बताता है कि मैं वो आदमी नहीं जो हमेशा घर में घुमा करता हूँ, मैं कभी भी तुम पर नजर नहीं रखता, मुझे किसी भी दूसरे में दिलचस्पी नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी रियल सोफी है, पर फिर भी तुम में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ।
इथन वन को हम गार्डन में देखते हैं। वो फोन में रिकॉर्डेड कुछ कॉल सुन रहा था। बाद में इथन वन और सोफी वन मिलते हैं और वो काफी अजीब से कॉल मैसेजेस सुनता है। ये मैसेजेस उसके मॉम और कुछ अलग लोगों के थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे पर इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था। सोफी वन को लगता है कि शायद ये कॉल्स गलती से लग गए होंगे। इथन वन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि गलती से ये सब हो सकता है। इथन वन को लग रहा था कि शायद इथन टू ने ये सब किया होगा। सोफी वन कहती है कि इथन टू ऐसा नहीं कर सकता। इथन वन पूछता है, क्या तुम उस पर इतना ट्रस्ट करती हो? सोफी वन कहती है कि मैं उसे जानती हूँ। अगर तुम फिर भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे तो मैं इससे एक बार इसके बारे में बात करूंगी। इसके लिए इथन वन उसे मना कर देता है। जाते जाते इथन वन मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जा रहा है, ये कहकर चला जाता है। थोड़ी देर गाड़ी लेकर गया और फिर वापस आ गया। सोफी वन की वो जासूसी करने लगता है और हाउस में चला जाता है। अपने ग्लासेस को निकाल देता है, यानी कि वो इथन टू के जैसा लगे। इसके बाद वो सोफी वन के पास गया और उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। बाद में अपनी कार वो वापस लेकर आता है। सोफी वन इथन वन को सामान के बारे में पूछती है, मगर इथन वन कहता है कि मार्केट क्लोज था। नेक्स्ट सीन में वो इथन वन को ड्रिंक के लिए बुलाती है। उसे पूछती है कि क्या बात हुई, तुम परेशान क्यों हो? इथन वन उसे पूछता है कि तुम एक्चुअल में हो कौन? वो कहता है कि अब शीशे में मैं खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि मेरे जैसे दिखने वाला एक आदमी मेरी वाइफ को मुझसे जुदा करके चला गया। सोफी वन कहती है कि तुमने अपनी वाइफ को खोया नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ ही हूँ। इसके बाद अगले सीन में सोफी वन और इथन टू रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। डोर के बाहर इथन वन आ जाता है। सोफी वन फिर डोर ओपन करती है तो डायरेक्टली रूम में आ जाता है। तब तक वहाँ से इथन टू चला गया था। सोफी वन इस बात से बहुत बुरा मान जाती है, वहाँ से निकल जाती है। उसे लेने के लिए उसके पीछे पीछे इथन वन भी भागने लगता है। उसे लग रहा था कि ये सब रियल नहीं है, वो इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। सोफी वन इसके लिए मना करती है, कहती कि इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती। इथन वन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पीछे पीछे अपने हाउस तक आ जाता है। वहाँ पर दोनों देखते हैं इथन टू और सोफी टू वहाँ पर बैठे हुए थे। साथ में बैठकर वो सब बातें करते हैं। इथन वन को अब भी इन सब चीजों पर बिलीव नहीं हो रहा था। इथन टू सब लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इथन टू ने समझाता है क्या ये सब पॉसिबल है या नहीं, इस पॉसिबिलिटी को हमें जरा दूर रखना चाहिए। सब मिलकर फिर कार्ड्स का गेम खेलते हैं। यहाँ पर इथन टू सोफी वन के साथ कार्ड्स में उसे जीतने देता है। एक्चुअल में जीतने वाला था पर उसने सोफी वन को जीतने दिया। इथन वन इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है कि झूठ बोलकर इथन टू ने सोफी वन को जीतने दिया। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इथन टू कहता है कि तुम भी मेरे जीतने ही बुरे हो। यहाँ पर झगड़े झगड़े में रियलिटी सामने आ जाती है कि इथन वन इथन टू बनकर सोफी वन के साथ इंटीमेट हुआ था। इस बात से सोफी वन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इथन वन को चलते चलते फिर से वो स्टूडियो मिलता है। वहां पर वो जाकर देखता है कि कैसे कंप्यूटर से उनकी आवाज की नकल के अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इसकी डिटेल में रिसर्च करता है और डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो डोर लॉक था। बाद में वहां पर सोफी टू आ जाती है और गुस्सा करने लगती है। इथन वन को समझ में नहीं आ रहा था कि सोफी टू है या सोफी वन है। सोफी उसे बता देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वो कहती है कि ये सब एक ट्रैप है, हम लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा। उसे पता चल जाता है कि ये लोग पार्टनर को इंटरचेंज करने की बात कर रहे थे। इथन को ये बात सही नहीं लगती। अगले दिन वो आदमी इथन टू सोफी वन को अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है, मगर सोफी वन इस बात के लिए मुकर जाती है। वो आदमी इथन टू भाग जाता है और इथन वन उस आदमी के पीछे भागता है। पीछा करते करते वो आदमी इथन टू गिर जाता है। सोफी वन और सोफी टू ये सब लोग एक जगह पर आ जाते हैं। एक तरफ सोफी वन काफी मायूस खड़ी थी और तरफ सोफी टू स्माइल कर रही थी। इथन वन अपनी कार लेकर भागने की कोशिश करता है। अपने साथ वो सोफी टू जो स्माइल कर रही थी उसे अपनी कार में लेकर जाता है। इसके बाद वो थेरेपी सेंटर पहुंचा। वहां पर उसे थेरेपिस्ट नजर नहीं आता, सिर्फ पियानो मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम सोफी टू और इथन वन को बेड में देखते हैं। सोफी टू बेड से उठकर किचन में जाती है और इथन वन के लिए बेकन बनाती है। इथन वन को फिर शॉक लगता है, एक्चुअल में उसकी वाइफ नहीं है। उसे अभी रियलाइज हुआ कि सोफी टू है। अब यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि जो चीज वो हमेशा से चाहते थे उसी के साथ अब उन्हें जीना पड़ेगा। जो गेम वो खेल रहे थे इसमें हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।